हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड ये वीडियो, जिसे आप यूज़ कर सकते हो ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कमेंट करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है। चलिए देख लेते हैं आप किस हिसाब से अपनी ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन अ डेजर्ट व्हेन देयर इज अ वाटर सोर्स बीनीथ द सर्फेस, द वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड बिलो द सैंड्स बिकॉज ऑफ रॉक्स बीनीथ विच वाटर कैन नॉट बी परस्कुलेटेड। This place become naturally fertile for plants, which what is the this place known as? अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेजर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि जो डेजर्ट होता है वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो वाटर के सोर्स मिल जाते हैं सरफेस के नीचे, वो इसलिए होता है कि नीचे जो सैंड वगैरह होता है उस सैंड के नीचे अगर हम बोले रॉक वगैरह होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी रहता है और ये जो पानी इकट्ठा होता है इसकी वजह से जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये फर्टाइल का काम करता है जो नेचुरली तैयार होता है। तो इस प्लेस को बोला क्या जाता है क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है और यहाँ आपको ना चार ऑप्शन दे दिए गए। इन चारों ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि डेजर्ट का इस एरिया को जहां प्लांट वगैरह ग्रो करने लग जाते हैं, नेचुरली पानी वगैरह वहां स्टोर होता है नीचे थोड़ा बहुत, तो उस जगह को बोलते क्या है। जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि इस जगह को सैटेलाइट लैंड बोलते हैं। ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है ऑसिस बोलते हैं और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि एरो बोला जाता है और ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है इसे बजादा बोला जाता है। तो ये चार ऑप्शन आपको दे दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह का जो जगह होता है जहां पे थोड़ा बहुत पानी हो जाता है और कुछ प्लांट ग्रो कर लेते हैं डेजर्ट वाले एरिया में, तो इसे हम ऑसिस बोला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप ऑप्शन बी यूज कर सकते हो अपने आंसर के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ ड्राई रिसाइकल आइटम। अब देखो कोई कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसे हम दोबारा से रिसाइकल कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ थिंग्स आपको दे रखी है, जो आइटम्स दे रखे हैं उसमें से कौन से आइटम है जिसको हम रिसाइकेबल बोल सकते हैं, जिसको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जैसे ग्लास है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है एक्सेल और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है यार्ड वेस्ट और ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है फूड वेस्ट। तो इन चारों में से अगर हम बात करें जो ड्राई आइटम है, क्योंकि बाकी चीजें उसमें क्या है कि ड्राई नहीं है, कुछ एक ही आइटम ऐसा है जो यहाँ ड्राई है और उसे रिसाइकल भी किया जा सकता है, वो है आपका ऑप्शन ए ग्लास। यानी कि ग्लास एक ऐसा आइटम है जो ड्राई रहता है और इसको आप दोबारा से रीयूज भी कर सकते हो। बाकी एग यार्ड और वुड और फूड वगैरह जो वेस्ट वगैरह ये सब चीजें दे रखी है ये इसका आंसर नहीं होगा। इस हिसाब से करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट विथ किचन गार्बेज यूजिंग अर्थवॉर्म नोन एज। देखिए आपके किचन में कभी ना कभी आपने देखा होगा कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, उसे कंपोस्ट वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है कि किचन के अंदर जो गार्बेज होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको अगर हम अर्थवॉर्म के साथ मिक्स करके जो कंपोस्ट बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोला क्या जाता है क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। यानी कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट को आप कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ द किचन गार्बेज, उस प्रोसेस को बोला क्या जाता है क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। और यहाँ आपको चार ऑप्शंस दे दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कि इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है इसे कंपोस्टिंग बोला जाता है और थर्ड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है इसे वर्मी कंपोस्टिंग बोला जाता है और फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें आपको बोला जा रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो वर्मी कल्चर है। देखिए जब भी हम किचन का गार्बेज यूज करके अर्थवॉर्म यानी केचुए वगैरह को इस्तेमाल करके कोई कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उस प्रोसेस को आप बोल सकते हो वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज फॉर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट प्रॉपर्टीज। देखिए आज के टाइम पे बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज की जाती है ताकि उन्हें दोबारा यूज कर सके और वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सके। जैसे जब भी कोई सॉलिड वेस्ट होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी जो टेक्निक यूज की जाती है वो डिपेंड करता है कि वेस्ट की प्रॉपर्टी क्या है, वेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टेक्निक उसके अंदर यूज करनी है। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए, नेम द टेक्निक ऑफ बर्निंग वेस्ट मटेरियल इन अ कंट्रोल मैनर अ हाई टेम्परेचर, कि एक ऐसा मेथड जिसके अंदर ऐसा टेक्निक मेथड आपसे पूछा जा रहा है जिसके अंदर वेस्ट को हम बर्न करते हैं, उसे जलाते हैं एक कंट्रोल तरीके से, यानी कि जितना टेम्परेचर हमें जरूरत होती है उतना टेम्परेचर हम उसे देते हैं और उस हिसाब से उस वेस्ट को मैनेज कर लेते हैं। तो इस मेथड को जिसमें हम इस टेक्निक को यानी कि जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को अच्छे से कंट्रोल मैटर में बर्न करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जिसे हम कंट्रोल कर सकें, उसे बोला क्या जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे चार डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स दे रखे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको
चूज करना है। फर्स्ट आपको बोला जा रहा है इसको सिंपली बर्निंग बोला जाता है, सेकेंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है इसे इंसिरेशन बोला जाता है, और थर्ड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है इसे कंपोस्टिंग बोला जाता है, और फोर्थ ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि जो नीचे ये दे रखा है, ये जो ऊपर आपको ए बी सी में जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये तीनों के तीन ऑप्शन गलत है, और इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी कि लास्ट वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैसे इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन बी यानी कि इंसिरेशन इसे बोला जाता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, सॉलिड टाइप का जो होता है उसे एक डिफरेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसे बर्न किया जाता है, और ये जो बर्न किया जाता है इसमें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि टेम्परेचर हमें कितना रखना है। तो इस प्रोसेस को आप ये इंसिरेशन बोल सकते हो। तो आप कहोगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट विच हैज वन ऑफ द हार्वेस्ट इन्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड का ऐसा कौन सा डेजर्ट है जो कि लार्जेस्ट है यानी कि जो साइज में सबसे ज्यादा है, और फर्दर बोला जा रहा है कि उसमें से विच वन हैज द हार्वेस्ट इन्वायरमेंट यानी कि थोड़ा हार्वेस्ट वगैरह भी कर सकते हो यानी कुछ प्लांट वगैरह भी यहाँ लगा सकते हैं छोटे मोटे, ये भी आपको बताया जा रहा है। तो जैसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान ये रखना कि आपको जो आंसर आइडेंटिफाई करना है वो हॉट डेजर्ट होना चाहिए। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से करेक्ट आंसर क्या ये आपको बताना है। जैसे ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है कि ये लद्दाख की बात की जा रही है इसके अंदर, यानी कि लद्दाख हॉट डेजर्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। सेकंड आपको बोला जा रहा है कि सहारा डेजर्ट के बारे में, और थर्ड में आपको बोला जा रहा है थार डेजर्ट के बारे में बोला जा रहा है, और फोर्थ ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो गोबी डेजर्ट के बारे में बोला जा रहा है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इस क्वेश्चन के अंदर, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट भी होना चाहिए और हॉट डेजर्ट भी होना चाहिए, यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन बी दे रखा है यानी कि जो सहारा डेजर्ट है वो इस कैटेगरी में बिल्कुल फुलफिल करता है, यानी कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट वाला एरिया है जहां पे हार्वेस्ट वगैरह इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत क्रिएट हो रहा है हमारे प्लैनेट के ऊपर। तो आप कह सकते हो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही करे हैं, ठीक है, अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा, और जो भी आंसर आपके अकॉर्डिंग है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं, ताकि आप अच्छी से ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर सके। ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रखा हुआ है जो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहां सारे ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है उसे आप देख सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल फ्रेंड्स @ प्रिपरेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ मेरे इस चैनल को यानी कि जो कि मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई टॉपिक रह गया और कोई डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @ मिस्टर कृष्णा शाह, जहां आप फॉलो करने के बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट्स डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। केंद्रीय विद्यालय के अगर आप स्टूडेंट हो तो एक मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पर जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।